गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया हुआ है, संस्कृति। और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये छठवीं मुलाकात है। आज के इस वीडियो में हम यह जानने समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति के उपादान क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे मेरे पिछले वीडियो में संस्कृति के दो उपादान, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल पे विस्तार से चर्चा की। आज शेष बचे हुए दो और उपादान, जिनमें एक है सांस्कृतिक क्षेत्र और दूसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान, इनकी आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत एवं मालिनोव्स्की के संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये पूछा जाता है, रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक का नाम पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है, जो कि संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख तीन संस्कृतियों, प्यूब्लो, डॉब और क्वांक्यूट के अध्ययन के दौरान किया। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयां एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उनमें एक क्रम एवं व्यवस्था है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई संस्कृति प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठनों से एक संपूर्ण संस्कृति निर्मित होती है। हर्स कोविट्स के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। बेनेडिक्ट प्रतिमानों को आदर्श या प्रेरक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं, करती है महिला है, जो मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में हमें कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होंगे। इन आदर्शों या सिद्धांतों को सभी लोग स्वीकार करते हैं एवं उन्हें सीखते हैं, जिससे लोगों के व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए प्यूब्लो इंडियन लोगों की संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है एवं व्यक्तिगत दिखावे को अनुचित माना जाता है। इसके विपरीत डोबो संस्कृति में भिन्न प्रकार के आदर्श, सिद्धांत एवं जीवन प्रणाली देखने को मिलती है। वहाँ के लोग शंकालु, धोखेबाज, अपने को एवं अपनी धारणाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने वाले तथा संघर्षशील प्रकृति के हैं। क्वांक्यूल संस्कृति के लोग
अपनी महत्ता के स्वप्न देखते हैं और बड़प्पन दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। बड़प्पन और दिखावे की परंपरा ने यहाँ के लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर दुबे बेनेडिक्ट से भिन्न मत प्रकट करते हुए लिखते हैं, संसार की बहुत थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी होगी जिनमें एक विशेष सिद्धांत संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अनुप्रमाणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। संस्कृतियाँ ऊपरी तौर पर जितनी सरल एवं आकर्षक प्रतीत होती है, वास्तव में वे उससे अधिक जटिल हैं। उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों को किसी एक सिद्धांत अथवा आदर्श के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये बात की हमने सांस्कृतिक प्रतिमान की। अब जो सांस्कृतिक उपादान का चौथा और अंतिम उपादान है, सांस्कृतिक क्षेत्र, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चर एरिया, किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि इन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट है, दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। इससे स्पष्ट है, सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों, प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है, जिसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। हर्शकोविट्स, कोबर, सापी आदि ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया और विभिन्न महाद्वीपों को सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। सांस्कृतिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे लिखते हैं, कतिपय सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हर्शकोविट्स के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती है एक संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। हॉबल के अनुसार एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र के बाहर हैं। विस्लर एवं कोबर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ऐसा ही प्रयास अफ्रीका के लिए हर्शकोविट्स ने किया, उसे 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। विस्लर का कहना है, यदि हम नई दुनिया के आदिवासियों को उनके सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभाजित करें तो हमें खाद्य क्षेत्र, वस्त्र और धर्म क्षेत्र देखने को मिलेंगे। चूंकि संस्कृति सीखी जाती है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को सीख सकता है। निकट की संस्कृति को दूर की संस्कृति की तुलना में सीखने के अवसर अधिक होते हैं। सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होते हैं, किंतु दूर तक फैलने के दौरान वे अपने कई मूल विशेषताएं खो देते हैं एवं नवीन स्थानीय विशेषताएं अपना लेते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल मूल रूप में एक सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। विस्लर की मान्यता है कि प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में वह केंद्र ढूंढा जा सकता है जहां सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल का प्रसार हुआ है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में घने जंगल, रेगिस्तान, महासागर, पर्वत आदि प्रमुख बाधाएं हैं तथा यातायात एवं संचार के साधन सहायक हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा सांस्कृतिक
समानताओं के भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है जिसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की जा सकती है। हर्शकोविट्स कहते हैं कि संस्कृति क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि किस प्रकार से आंतरिक संगठन की भांति भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकताएं कायम रहती है। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा से उन क्षेत्रों को ज्ञात करना सरल हो जाता है जहां संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। वर्तमान में संस्कृति क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य कठिन होता जा रहा है क्योंकि यातायात एवं संचार के साधनों ने इसकी सीमा तोड़ दी है। आज संपूर्ण विश्व में अनेक समान संस्कृति तत्व पनप रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा संस्कृतियों के अध्ययन के लिए उपयोगी यंत्र है, एक युक्ति है जो विद्यार्थियों को एक संस्कृति विशेष का विस्तार ज्ञात करने एवं उससे संबंधित आंकड़ों के संकलन में योगदान देती है। ये हमने बात की सांस्कृतिक क्षेत्र की। अब कल मैं आपसे चर्चा करूंगा एक तो सांस्कृतिक विलंबन कल्चरल लैग की, फिर संस्कृति का मानव जीवन पे प्रभाव और संस्कृति को समाज की देन। हम इनकी कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ, आपको सलाह मशवरा रहता है मेरा कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों तक अवश्य पहुँचाएँ जिनके पास किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पा रहा है, और अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में मुझे अवगत कराएं। इसके लिए आप इनबॉक्स में आके कमेंट करें। मुझे ये भी लगना चाहिए कि जो अपने मध्य ये संवाद हो रहा है वो वाकई किसी परिणाम तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि कुछ बच्चे करते हैं कमेंट, लेकिन बहुसंख्यकों के अभी भी किसी न किसी रूप में या तो प्रवृत्तिगत है या सहज भाव से है। आप अवश्य मुझे अवगत कराएं कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं कोई आपको समस्या है, जिज्ञासा है तो अवश्य आप बताएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी कोरोना का बहुत ही एक आक्रामक वक्त चल रहा है, इससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सावधानियां रखनी है और सरकार की गाइडलाइंस की हमें अनुपालना करनी है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, परिवार के सदस्यगण, मित्रगण आपके सब स्वस्थ रहें और आप अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।